धार अम्बरीश शर्मा धार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धार जिले के बदनावर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए बदनावर पहुंचे थे। बदनावर की कृषि उपज मंडी प्रांगण में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने भाजपा सरकार की नीतियों और योजनाओं का बखान करते हुए जमकर भाजपा सरकार की तारीफ करी। इसी दौरान योगी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर भी जमकर बरसे। योगी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में विकास की आड़ में आतंकवाद को नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता था। उन्होंने इस देश को धर्म के आधार पर जातियों के आधार पर बांटने काम किया है। जब इस देश में संकट आया है भाजपा का कार्यकर्ता आपको काम करता हुआ दिखाई दिया है, पर देश में संकट की स्थिति में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी नानी याद आ जाती है और वे इटली चले जाते हैं। वही योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का नाम लिए बिना ही जनता से ये कहा कि आपके मन में जो भावना है वो काम अयोध्या में होना ही है। इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के मंदिर जाने को लेकर योगी ने अपने संबोधन के अंत में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की जमकर तारीफ करते हुए फिर से प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। सभा को संबोधित करने के बाद योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से धार के बदनावर से अपने अगले गंतव्य की ओर रवाना हुए। योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग बदनावर के कृषि मंडी प्रांगण में पहुंचे थे। लेकिन मित्रों, असलियत तो सामने आई जाती है। कांग्रेस के एजेंडे में कभी विकास नहीं था। कांग्रेस ने इस देश को जाति के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर विभाजित करने का कार्य किया। कांग्रेस ने विकास नहीं बल्कि विकास की आड़ में आतंकवाद को, नक्सलवाद को और उग्रवाद को बढ़ावा दिया। देश के अंदर कहीं कोई संकट दिखाई देता है, वह संकट चाहे कश्मीर के अंदर हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे गुजरात के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे बिहार के अंदर हो, या देश के अंदर कहीं भी, उस संकट के समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उस संकट के समय वहां पर कार्य करते हुए दिखाई देता है। लेकिन संकट के समय, देश के संकट के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्हें तब भारत याद नहीं आता, तब उन्हें नानी याद आती और इटली भाग जाती। तो फिर राहुल गांधी को वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है।